हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव से संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, आइए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश 4×10⁻⁸ कूलम को 2×10⁻⁴ मीटर दूरी पर रखने पर एक विद्युत द्विध्रुव बनता है, इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पहली बात हमें दी हुई है क्यू। क्यू कितना है? क्यू हमें दिया हुआ है 4×10⁻⁸ कूलम। ठीक है बच्चों, और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी हुई है, मतलब हम मान लेते हैं 2a बराबर है 2×10⁻⁴ मीटर, और हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A। तो P बराबर Q कितना है? 4×10⁸ 2A कितना है? 2×10⁻⁴। तो यहाँ से P बराबर क्या आएगा बच्चों? 4×8×10⁻½ और मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कूलम इंटू मीटर, और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, HCl अणु में H+ व Cl- आयनों के मध्य दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग है, अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। ठीक है बच्चों, हमें दिया हुआ है H+ और Cl- इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है, मतलब 2a बराबर हमारे पास है 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि इस H+ पर आवेश कितना है, तो बच्चों H+ का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस पर आवेश क्या होगा? Q बराबर क्या होगा? +1.6×10⁻¹ कूलम, और इस पर आवेश क्या होगा? Q बराबर −1.6×10⁻¹ कूलम। तो ये द्विध्रुव है जिसका आवेश कितना है? आवेश है Q बराबर 1.6×10⁻¹ कूलम, और दूरी दी हुई है 2a बराबर 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 1.28×10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा बोलो अब P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A। तो यहाँ से P बराबर Q कितना? 1.6×10⁻¹⁹ इंटू 1.28×10⁻¹⁰। ठीक है बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.04×10⁻¹⁹ कूलम इंटू मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। ये हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में दो आवेश QA = 2.5×10⁻⁷ कूलम व QB = −2.5×10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदु A 0, −15 सेमी व B 0, −±15 सेमी पर रखे हैं, निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, हमें तीसरे क्वेश्चन में दो आवेश दिए हुए हैं, एक रखा हुआ है बिंदु A पर और दूसरा रखा हुआ है बिंदु B पर। अच्छा, बिंदु A के निर्देशांक है 0, −15 सेमी, यही है ना? ठीक, और इसके निर्देशांक है 0, −15 सेमी। ठीक है, अच्छा इसका आवेश हमें दिया हुआ है 2.5×10⁻⁷ कूलम, और इसका आवेश दिया हुआ है −2.5×10⁻⁷ कूलम। तो बच्चों, ये द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है 2a। ठीक है बच्चों, अच्छा दो बिंदु के बीच की दूरी दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? याद होगा आपको,
एक्स टू माइनस एक्स वन इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इसका होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा इसे मान लो किसी को भी x1 x2 कुछ भी मर्जी पड़े जो मान लो, इसको मान लो x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगी बोलो, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस प्लस का 15 माइनस माइनस 15 इसका होल स्क्वायर। बोलो क्या आएगा दूरी बराबर, 2a बराबर आएगा अंडर रूट 30 का होल स्क्वायर, यानी 2a बराबर आएगा कितना 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, या फिर इसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 10 की घात माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ये हमने दूरी ज्ञात कर ली है, आवेश हमारे पास है, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं P बराबर Q इंटू 2a से। पहले हमें कुल आवेश ज्ञात करना है, तो कुल आवेश क्या होगा बोलो, कुल आवेश होगा Q बराबर QA प्लस QB, QA प्लस QB, Q बराबर बोलो फटाफट, QA कितना है 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 माइनस 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 7। ठीक है बच्चों। अच्छा इससे कैंसिल, तो टोटल आवेश कितना आएगा जीरो, मतलब द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है जीरो। अब P बराबर Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए, Q कितना, Q है 2.5 इंटू 10 की घात माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस 1। ठीक है बच्चों, बोलो इसको जब इससे गुणा करोगे, 2.5 को गुणा करोगे 3 से, तो ये हमारे पास आएगा 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 8 कूलाम इंटू मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने तीन क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्लस माइनस 4 माइक्रो कूलाम के आवेश से बने द्विध्रुव के आवेशों के मध्य दूरी है 3 एंगस्ट्रोम, तो इसकी निरक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 न्यूटन पर कूलाम होगी। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें आवेश दिए हुए हैं, यानी क्यू बराबर दिया हुआ है प्लस माइनस 4 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और आवेशों के बीच की दूरी यानी 2a बराबर हमें दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रोम, मतलब 3 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, आगे हमसे कहा गया है E निरक्ष दिया हुआ है, E निरक्ष हमारे पास है कितना 4 इंटू 10 की घात माइनस 7 न्यूटन पर कूलाम, और हमसे पूछा है R, क्या पूछा है R। ठीक है बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखो फटाफट। चूंकि E निरक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, E निरक्ष बोलो KP बटे R क्यूब, परिमाण रूप में ये होता है। ठीक है, हमें R ज्ञात करना है, मतलब R क्यूब बराबर क्या आएगा बोलो फटाफट, KP बटे E निरक्ष, E निरक्ष। अच्छा बोलो फटाफट, K कितना, K कितना जल्दी बोलो, K है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू, P कितना, P P P P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो हम यहाँ पर, अच्छा इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा लिख सकते थे क्या, K इंटू क्यू इंटू टू ए बटे E निरक्ष, सही है ना, बोलो फटाफट, 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू क्यू कितना 4 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू टू ए 3 इंटू 10 की घात माइनस 10 बटे E निरक्ष कितना 4 इंटू 10 की घात बोलो माइनस 7। ठीक है बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अच्छा आर क्यूब बराबर क्या आएगा, आर क्यूब बराबर आएगा बोलो जल्दी 9 27 इंटू 10 की घात प्लस का 9, प्लस का 9, और ये माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 माइनस 6 प्लस सॉरी माइनस 10। ठीक है, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो आर क्यूब बराबर आएगा 27 इंटू 10 की घात बोलो फटाफट, 27 इंटू 10 की घात 9 और 7 कितने 16,
प्लस का 16 माइनस 16, तो ये हमारे पास केवल आएगा 27 इंटू 10 की घात 0, मतलब ये हमारे पास आएगा कितना 27। ठीक है बच्चों, अब R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3। तो 27 की पावर 1/3 का मतलब है बच्चों 27 का घनमूल। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, NCERT बुक का क्वेश्चन है। देखो, 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण ज्ञात करें और द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण भी ज्ञात करें। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमें P दिया हुआ है, P कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, E बराबर हमें दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और बोलो, हमें ज्ञात करना है टो और टो मैक्सिमम। एक तो टो ज्ञात करना है और एक टो मैक्सिमम ज्ञात करना है। अच्छा, टो का फॉर्मूला, टो बराबर आप जानते हो क्या होता है, पी ई साइन थीटा। और टो मैक्सिमम क्या होता है, टो मैक्सिमम होता है बच्चों पी ई। सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। करना क्या है, पी की वैल्यू यहाँ, ई की वैल्यू यहाँ और थीटा की वैल्यू यहाँ रखनी है, सॉल्व करना है। टो का आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ और ई की वैल्यू यहाँ रखनी है और सॉल्व करना है, टो मैक्सिमम आ जाएगा। आइए करते हैं, बोलो टो बराबर बोलो 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ इंटू बोलो साइन 30 डिग्री। टो बराबर बोलो 4 × 20 लिख दूँ क्या, 4×5 20 × 10⁻⁵ × sin 30 की वैल्यू 1/2, इस 2 से ये कैंसिल कितनी बार, 10 बार। तो टो बराबर हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है टो मैक्सिमम। बोलो फटाफट क्या होगा, पी कितना, 4 × 10⁻⁹ इंटू ई कितना, 5 × 10⁻⁴ प्लस 4। तो टो मैक्सिमम बराबर होगा, बोलो फटाफट, 5 × 20 × 10⁻⁰ कितना, -5। या फिर इसे हम कह सकते हैं टो मैक्सिमम बराबर होगा कितना, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, सही है क्या, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को 2 × 10⁻⁰ दूरी पर रखने पर बने विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखने पर द्विध्रुव 4 × 10⁻⁶ न्यूटन इंटू मीटर का बलाघूर्ण अनुभव करता है। द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण ज्ञात करें जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम इसे मिटा लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहली बात हमें दे रखी है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁰ मीटर, ये बराबर है किसके, 2a के। ठीक है बच्चों, और हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा है 30 डिग्री, और बोलो थीटा के अलावा हमें बलाघूर्ण दिया हुआ है टो 4 × 10⁻⁶ न्यूटन इंटू मीटर का। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए भी हमें दी हुई है कितना 100 न्यूटन पर कूलाम। और हमसे पूछा है द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हमसे द्विध्रुव पर कुल आवेश पूछ लेता, द्विध्रुव पर कुल आवेश पूछ लेता, तो बच्चों इसे बिना सोल्व किए हम आंसर दे देते, द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा, और पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए। तो टो बराबर इसे क्या लिखेंगे? क्यू इंटू टू ए ई साइन थीटा। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? टो बटे टू ए ई साइन थीटा, टू ए ई साइन थीटा। अच्छा, सब मान रखो फटाफट। क्यू बराबर टो कितना? 4 × 10⁻²⁰ बटे टू ए कितना? 2 × 10⁻¹⁰ इंटू ई कितना? ई ई ई 100 इंटू साइन 30 डिग्री। बोलो फटाफट, साइन 30 डिग्री। बोलो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बोलो फटाफट। तो यहाँ से 4 × 10⁻²⁰ बटे, बोलो, 2 × 10⁻¹⁸ इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? क्यू बराबर हमारे पास आएगा, क्यू बराबर हमारे पास आएगा 4 × 10⁻²⁸ तो क्यू बराबर हमारे पास आएगा 4 × 10⁻¹² कूलाम। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्यू बराबर आएगा, क्यू बराबर आएगा 4 पिको कूलाम। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है एक बार। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एच सी एल अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 2.04 × 10⁻²⁹ कूलाम इंटू मीटर है, तो एच प्लस व सी एल माइनस आयनों के मध्य दूरी ज्ञात करें। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद स्वयं सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश हमें दिया हुआ है कितना? 2 i² + 4 j² N/कूलाम और पी सदिश हमें दिया हुआ है 2 j³ + 3 k³ कूलाम × मीटर। अब क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर 2 i² + 4 j² N/कूलाम में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश बराबर 2 j³ + 3 k³ कूलाम × मीटर है, तो द्विध्रुव पर बलाघूर्ण की गणना करें। ठीक है बच्चों, करते हैं। अच्छा, हमें टो सदिश पूछा है, तो क्या हम टो सदिश का फॉर्मूला जानते हैं क्या? हाँ, टो सदिश बराबर होता है, बोलो फटाफट, टो सदिश बराबर होता है क्या? पी सदिश क्रॉस ई सदिश। ठीक है। अच्छा, टो सदिश बराबर, अब क्या होगा? टो सदिश बराबर होगा, बोलो, एक सारणिक बनेगी i³ j³ k³। अच्छा, p के लिए बोलो फटाफट, 0 2 3, i का गुणांक 0, j का गुणांक 2 और k का गुणांक 3। e के लिए बोलो फटाफट, 2 4 और 0। सही है ना? ठीक। अब आगे टो सदिश बराबर क्या होगा? i कैप जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में उसे छिपाओ, 2 3 4 0 − j कैप, बोलो फटाफट, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसे छिपाओ, बोलो क्या आएगा? 0 3 2 0 0 3 2 0। ठीक है। प्लस k कैप, बोलो फटाफट, 0 2 2 4 0 2 2 4। अच्छा, टो सदिश बराबर क्या होगा? i कैप, सबसे पहले ये गुणा होगा,
दो का गुणा जीरो के साथ जीरो माइनस बारह, चार त्रि बारह, ठीक है। माइनस जे के बोलो फटाफट, जीरो माइनस छः, प्लस के कैप बोलो फटाफट, जीरो माइनस चार, ठीक है। तो यहाँ से टो सदिश बराबर क्या आया, माइनस बारह आई कैप माइनस माइनस प्लस छः जे कैप माइनस चार के कैप न्यूटन इंटू मीटर। यह तो सदिश रूप में आया है। अगर हम इसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, तो टो सदिश का मोड मतलब टो बराबर हमारे पास आएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक कितना है, माइनस बारह का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो टो बराबर हमारे पास आएगा अंडर रूट 144 प्लस 36 प्लस 16। तो टो बराबर हमारे पास आएगा बच्चों 196। तो टो बराबर इसे हम लिख सकते हैं 14 न्यूटन इंटू मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले हम इसे मिटा देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 mm दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के केंद्र से पहला पॉइंट ए धनावेश की ओर 15 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर बी पॉइंट है। द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत केंद्र से 15 सेमी दूरी पर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यानी हमें अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों ही स्थितियों में दूरी 15 सेमी लेनी है, ठीक है, दूरी सेम है। अच्छा करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ये माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 3 mm, कितनी दी हुई है 3 mm। अच्छा 3 mm का मतलब आप क्या समझे बच्चों, 3 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर, 3 इंटू 10 की घात, अच्छा 5 था, 5 mm है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ से सबसे पहली बात तो ये 2a है, ये क्या है 2a, ठीक। q हमें दिया हुआ है, बोलो q क्या है, q बराबर है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम, यानी q बराबर है बच्चों 10 की घात माइनस 5 कूलम। अच्छा q हमारे पास है, 2a भी हमारे पास है, कितना 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो क्या हम p ज्ञात कर सकते हैं, क्या P बोलो क्या आएगा, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो बोलो यहाँ से फटाफट, Q कितना 10 की घात माइनस 5 इंटू 5 इंटू 10 की घात माइनस 3। तो P बराबर आएगा बच्चों 5 इंटू 10 की घात माइनस 8 कूलम इंटू मीटर। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया है बच्चों कि हमें ई अक्ष ज्ञात करना है, ई अक्ष ज्ञात करना है। ई अक्ष का फॉर्मूला क्या है बोलो, 2kp बटे r क्यूब, ठीक है। और r बराबर हमें दिया हुआ है, r कितना है बोलो फटाफट, r में यहाँ पे लिख देता हूँ, r बराबर 15 सेमी, 15 सेमी का मतलब है बच्चों, 15 सेमी का मतलब है 15 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। अच्छा बोलो फटाफट, e अक्ष बराबर क्या होगा, 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू पी कितना 5 इंटू 10 की घात बोलो माइनस 3, सही है, बटे आर बराबर बोलो फटाफट क्या आएगा, आर बराबर है 15 इंटू 10 की घात माइनस 2 इसका होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ई अक्ष बराबर आपके पास आएगा, क्या आएगा, 2.66 इंटू 10 की घात 5, 2.66 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम,
ये तो हमने अक्ष पे निकाला। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था अक्ष पर और दूसरा पॉइंट हमसे कहा है निरक्ष पर। तो बिंदु बी निरक्ष के लिए ई निरक्ष, ई निरक्ष हमें ज्ञात करना है। और आप जानते होंगे चूंकि ई अक्ष बराबर होता है दो इंटू ई निरक्ष, दो इंटू ई निरक्ष बोलो, तो ई निरक्ष बराबर क्या होगा, ई निरक्ष बराबर होगा बोलो ई अक्ष बटे दो, ई अक्ष बटे दो। तो ई निरक्ष क्या होगा, ई निरक्ष हो जाएगा बच्चों बोलो 2.66 इंटू 10 की घात 5 बटे बोलो 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1.33 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर बच्चों? इस वीडियो लेक्चर में किसी प्रकार की कोई भी कमी हो, कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट कर बताइए बच्चों। मैं हमेशा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक बच्चों, धन्यवाद।